फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बंगलो इंजीनियर्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंक्रीट। कंक्रीट क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, उसके इंग्रेडिएंट्स कौन से होते हैं, देन कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। कंक्रीट, व्हाट इज़ कंक्रीट? कंक्रीट एक कंपोजिट मटेरियल है जो कि फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, सीमेंट और वाटर के मिक्सचर से मिलकर बना हुआ मटेरियल होता है। देन इस मटेरियल को हम किसी भी डिज़ायर्ड शेप में मोल्ड कर सकते हैं। ये हार्ड होने के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, देन इसकी ये स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। क्योंकि कंक्रीट बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ किए जाने वाला बिल्डिंग मटेरियल है और हम सिविल इंजीनियर हैं, तो हमें कंक्रीट के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि कंक्रीट एंड मोर्टार सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बता दूँ कि कंक्रीट एंड मोर्टार दोनों ही बहुत डिफरेंट मटेरियल्स हैं। जहाँ पे कंक्रीट से हम अपने स्ट्रक्चर का कोई भी इंडिविजुअल एलिमेंट बना सकते हैं, लाइक कंक्रीट एक बिल्डिंग मटेरियल है इटसेल्फ, किसी और चीज़ की उसे ज़रूरत नहीं है। बट जो मोर्टार होता है, मोर्टार एक बॉन्डिंग एजेंट है जो कि ब्रिक्स, टाइल्स और अदर जो मेजनरी की यूनिट्स होती हैं उनको आपस में होल्ड करके रखने का काम करता है। कंपोजिशन ऑफ कंक्रीट, अब कंक्रीट में सीमेंट, वाटर और एग्रीगेट्स यूज़ होते हैं, ये हमें पता है। सीमेंट भी एक मैन मेड मटीरियल है जो कि सिलिका एंड लाइम स्टोन से मिलकर बना हुआ है। सीमेंट में जब हम वाटर को डालते हैं तो एक केमिकल रिएक्शन होती है एंड हीट जनरेट होती है। जब इस पेस्ट के साथ हम फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट को मिक्स करते हैं तो हमें कंक्रीट मिलता है। इस कंक्रीट को हम डिज़ायर्ड शेप में मोल्ड कर सकते हैं। देन हार्ड होने के बाद ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। देन हार्डनिंग की जो इसकी प्रोसेस होती है उसे हम हाइड्रेशन बोलते हैं। वाटर होता है, वाटर की ज़रूरत हमें सीमेंट में दो कारणों से पड़ती है। पहला तो जो सीमेंट की हाइड्रेशन प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए, देन सेकंड वन इज़ जो हमारा कंक्रीट है उसको मोबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, मतलब फ्लूइड स्टेट प्रोवाइड करने के लिए, ताकि हम उसको इजीली हैंडल कर पाएँ, प्लेस कर पाएँ, कॉम्पैक्ट कर पाएँ या मोल्ड कर पाएँ, इसलिए हमें वाटर की ज़रूरत होती है। जैसे कि IS कोड में बताया गया है कि जो हमारा वाटर होता है जो हम कंक्रीट के लिए यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर की क्वालिटी जैसी होनी चाहिए, ताकि हमारा जो कंक्रीट है उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। जो हाइड्रेशन की प्रोसेस होती है उसमें जो वाटर के अमाउंट रिक्वायर्ड होता है वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर रिक्वायर्ड फॉर मोबिलिटी प्रोसेस। एग्रीगेट्स जो होते हैं वो कंक्रीट की केमिकल रिएक्शन में कहीं भी कोई अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे होते हैं। सो हमें कंक्रीट में एग्रीगेट क्यों मिलाना पड़ रहा है? तो हम देखते हैं कि जो हमारी कंक्रीट होती है यदि उसमें सिर्फ सीमेंट और वाटर का पेस्ट होगा तो वो डिज़ायर्ड हमारी स्ट्रेंथ नहीं दे पाएगी, तो हमें उसमें एग्रीगेट मिलाना है। तो एग्रीगेट क्या प्रोवाइड कर रहा है? उसको एक वॉल्यूम प्रोवाइड कर रहा है, उसको बल्कि बना रहा है एंड हमारा जो एलिमेंट है वो कंप्लीट हो जाता है एग्रीगेट्स की वजह से। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा एग्रीगेट होता है वो 60-70% वॉल्यूम होता है कंक्रीट का। देन इसको दो टाइप से डिवाइड किया जा सकता है, फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट। टाइप्स ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट का जो मेजर क्लासिफिकेशन है उसमें दो टाइप से कंक्रीट को डिवाइड किया गया है, फ्रेश कंक्रीट एंड हार्डेंड कंक्रीट। बट इसके अलावा भी कंक्रीट का क्लासिफिकेशन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग मटेरियल यूज्ड, सीमेंट कंक्रीट और लाइम कंक्रीट। देन ऑन द बेसिस ऑफ डिज़ाइन, प्लेन सीमेंट कंक्रीट, रिनफोर्स सीमेंट कंक्रीट एंड प्रीस्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, किस पर्पस के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं, वैक्यूम कंक्रीट, एयर इंट्रेंट कंक्रीट, लाइट वेट कंक्रीट, इस तरह से हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट, जैसे कि हमने देखा कंक्रीट को दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है, फ्रेश कंक्रीट एंड हार्डेंड कंक्रीट। उसी के बेसिस पे कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ को भी क्लासिफाई किया गया है। फ्रेश कंक्रीट की अलग प्रॉपर्टीज़ होती है एंड हार्डेंड कंक्रीट की अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। सो फ्रेश कंक्रीट में वर्केबिलिटी, सेग्रीगेशन, देन ब्लीडिंग, देन इनको चेक करने के लिए, क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए कुछ टेस्ट भी परफॉर्म किए जाते हैं। वर्केबिलिटी को टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं वो हैं स्लम कोन टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, VV कंसिस्टोमीटर टेस्ट, फ्लो टेबल टेस्ट, कैलीबॉल टेस्ट। देन ये जो सारे टेस्ट हैं एंड स्पेशली वर्केबिलिटी, बहुत सारे एग्जाम्स में वर्केबिलिटी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हम इसके लिए अलग एक सेपरेट वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें सिर्फ हम वर्केबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे एंड उनके टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। देन सेकेंड आता है हमारे पास हार्डन कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ में आता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, देन यंग्स मॉडुलस। इनको भी चेक करने के लिए जब कंक्रीट हार्ड हो जाती है तो कुछ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं जो कि होते हैं कॉम्प्रेसिव टेस्ट,
फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ टेस्ट, स्ट्रेस स्ट्रेंथ रिलेशनशिप। अब वॉकेबिलिटी क्या होती है, क्या टर्म होती है वॉकेबिलिटी? वॉकेबिलिटी जानने से पहले हम ये जाने कि कंसिस्टेंसी क्या होता है। कंसिस्टेंसी मेजरमेंट होती है वेटनेस का, मतलब कि किसी भी मटेरियल में हम कितना पानी ऐड कर रहे हैं वो कितना कंसिस्टेंट होता है उस पानी को मिलाने के बाद। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जब आटा गूंथते हो तो आटे को प्रॉपर तरीके से बाइंड करने के लिए उसमें कितना पानी लगता है, ये सबसे अच्छी डेफिनेशन हो सकती है कंसिस्टेंसी को समझने के लिए। वही चीज़ हम यदि कंक्रीट और सीमेंट के लिए भी अप्लाई करें कि हमें प्रॉपर बॉन्ड बनाने के लिए कितना वाटर रिक्वायर्ड होगा, वही उसकी कंसिस्टेंसी है। तो उसी वाटर पे डिपेंड कर रहा है हमारी वर्केबिलिटी भी। पानी जितना ज़्यादा होगा कंक्रीट में उसकी वर्केबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। वर्केबिलिटी का मतलब क्या, हम उसके साथ कितना ईजिली काम कर पा रहे हैं, ईज़ ऑफ वर्क, उसको कितनी अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं, प्लेस कर पा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं, किसी भी शेप में उसको मोल्ड कर पा रहे हैं, वही उसकी वर्केबिलिटी होगी। तो कंक्रीट के टर्म्स में यदि हम सिंपल सी लैंग्वेज में बोलें तो जब हम कंक्रीट को मिक्स करते हैं और उसको किसी शेप में मोल्ड करना चाह रहे हैं तो उसको हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ले जा पा रहे हैं कि नहीं, उसको प्रॉपर कॉम्पैक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। यदि कॉम्पैक्ट कर भी दिया, अपने शेप में मोल्ड कर भी लिया, बट आपको ये देखना है कि आफ्टर हार्डनिंग के बाद वो प्रॉपर डेंस कंक्रीट हमें मिला है कि नहीं, कहीं पोर्स तो नहीं रह गए उसमें, वो पूरा होमोजीनियस मिक्सचर बना है कि नहीं उसका, उसमें ब्लीडिंग या सेग्रीगेशन तो नहीं हुआ है। अब ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं, उससे पहले देखें कि वर्केबिलिटी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। मेजर जो फैक्टर होता है वो वाटर सीमेंट रेशियो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी और उसकी स्ट्रेंथ को भी। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने लिस्ट आउट करके रखे हैं फैक्टर्स को, बहुत सारे। कंक्रीट बनाने की जो हमारी इंटायर प्रोसेस होती है, जो भी हम उसमें मटेरियल यूज़ करते हैं, वो सभी वर्केबिलिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं एंड स्ट्रेंथ को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, बट वो सारे हम नहीं पढ़ सकते। जो इम्पॉर्टेंट है हम वही देखेंगे जो फ्रीक्वेंटली एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं या जिनके लिए हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, हम सिर्फ उन्हीं फैक्टर्स को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने 7 फैक्टर्स लिख के रखे हैं, देन इन 7 फैक्टर्स को हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा वर्केबिलिटी का उसमें डिटेल करेंगे। देन ये भी जानेंगे कि किस पर्टिकुलर फैक्टर को इंक्रीज़ करने से या डिक्रीज़ करने से हमारी वर्केबिलिटी जो होती है इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है। देन हमारी स्ट्रेंथ पे भी क्या इफेक्ट पड़ता है इन फैक्टर्स की वजह से, ये हम देखेंगे। फ्रेश कॉन्क्रीट की अगली प्रॉपर्टी है सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग। सेग्रीगेशन क्या होता है, जब हम कंक्रीट में बहुत ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है या फिर उसका मिक्स पुअर मिक्स हम डिज़ाइन करते हैं तो सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम आती है। सेग्रीगेशन की वजह से हमारे कंक्रीट की जो क्वालिटी अफेक्ट करती है, देन उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम कंक्रीट मिक्स कर लेते हैं देन उसको हमें किसी डिज़ायर्ड शेप में मोल्ड करना है या फिर उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाके मोल्ड करना है, आपका मिक्सिंग का प्लेस डिफरेंट है देन आपको प्लेसिंग का प्लेस डिफरेंट है, तो वहाँ से वहाँ तक उसको ट्रांसपोर्ट करना है, तो ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन भी सेग्रीगेशन हो सकता है, या फिर जब आप उसको मोल्ड में प्लेस कर रहे थे तो आपने उसको बहुत ज़्यादा हाइट से डाल दिया है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो हमारे एग्रीगेट्स हैं वो सीमेंट वाटर के पेस से सेग्रीगेट हो गए हैं, तो भी ये प्रॉब्लम जनरेट होती है। इसकी वजह से हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हनीकॉम्बिंग स्ट्रक्चर हो जाता है, देन उसमें परमेबिलिटी की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग भी सेम है, जैसे कि जब हमारे कंक्रीट में वाटर की जो क्वांटिटी है, अमाउंट है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वाटर सीमेंट रेशियो जब हम ज़्यादा रखेंगे तो उसमें ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आ जाएगी। ब्लीडिंग में क्या होता है कि जो एग्रीगेट होता है वो सीमेंट और वाटर का जो पेस्ट होता है उससे अलग हो जाता है। इसका मतलब क्या कि एग्रीगेट से सीमेंट और वाटर का पेस्ट अलग होके बह जाता है, तो हमारे पास क्या बचता है मोल्ड में, सिर्फ एग्रीगेट्स बचते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा वॉइड्स होते हैं एंड वो हमारी पोरस कंक्रीट बन जाती है। ऑफ सेग्रीगेशन एंड ब्लीडिंग, जब हमारे कंक्रीट में ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं तो कंक्रीट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, होमोजीनियस मिक्सचर नहीं रहता है, जब हमारे कंक्रीट से सीमेंट और वाटर का जो पेस्ट है वो फ्लो होके जा चुका है, सिर्फ हमारे पास एग्रीगेट बचा है। तो एग्रीगेट क्या है, वैसे भी एग्रीगेट सिर्फ मास या वॉल्यूम प्रोवाइड करते हैं हमारे कंक्रीट को, कोई भी देन स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं, बट कोई केमिकल रिएक्शन या बॉन्डिंग नहीं हो पाती बिना सीमेंट और वाटर की वजह से, तो क्या होगा, हमारा कंक्रीट पूरी तरह से होमोजीनियस नहीं रहेगा, उसमें परमिएबल कंक्रीट हो जाएगा हमारा, देन उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाएगी। यदि हम रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बना रहे हैं
तो क्या होगा, वहाँ पे प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी रिइंफोर्समेंट और कंक्रीट के बीच में। देन यदि हम पेमेंट का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और उसमें ब्लीडिंग की प्रॉब्लम आई है, तो वहाँ पे हम सरफेस फिनिशिंग जल्दी नहीं कर पाएंगे, क्योरिंग कंपाउंड्स नहीं मिला पाएंगे, इसकी वजह से हमारा वर्क जो है वो डिले हो जाएगा। अब जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ब्लीडिंग के साथ जो ब्लीडिंग में जो है सीमेंट और वाटर का पेस्ट हमारे कंक्रीट से निकल के बाहर फ्लो होने लगा है, मतलब बाहर जाने लगा है। देन सेग्रीगेटेड जो मटेरियल है ऊपर हमारा एग्रीगेट वो रह चुका है। जब भी हम कोई स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं जिसमें हम कंक्रीट का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारी कंक्रीट का जो मिक्स हमने डिज़ाइन किया है उसमें प्रॉपर प्रोपोर्शंस होने चाहिए, मिक्स प्रोपोर्शन होने चाहिए। देन उसमें जो वाटर हम यूज़ कर रहे हैं वो भी प्रॉपर डिज़ाइन होना चाहिए, वाटर सीमेंट रेशियो हमें चेक करना चाहिए। देन सारे टेस्ट हमें उस पर परफॉर्म करने चाहिए। देन उसके बाद यदि हमारा ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन है उसकी प्रॉब्लम उसमें नहीं आनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम वर्केबिलिटी एंड उसके फैक्टर्स जो कंक्रीट को अफेक्ट करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से आपको अगली वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। देन साथ ही साथ यदि आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया हो, यदि आपके डाउट्स हो, तो आप उन्हें चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हम उनको जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।